केमिकल म्यूटेशंस क्या होते हैं कि ऐसे केमिकल्स जो क्या करते हैं कि म्यूटेशंस की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं, तो उन म्यूटेशंस को हम क्या कहते हैं, केमिकल म्यूटेशंस, या मतलब कि उन जो क्या करे म्यूटेशंस को इंक्रीज करे, तो उन फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं कि केमिकल म्यूटेशंस कहते हैं। अगर हम केमिकल म्यूटेशंस की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए दिखा रखे हैं मस्टर्ड। मस्टर्ड क्या होता है, जैसे नाइट्रोजन मस्टर्ड, सल्फर मस्टर्ड, ये क्या है, ऐसे केमिकल्स है। इन केमिकल्स को देके हम क्या करवा सकते हैं, म्यूटेशन कोर्स करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे अल्काइल सल्फोनेट, ठीक है, इपोक्साइड, ये सारे क्या है, ये केमिकल्स हैं। ठीक है, अब इनके रोल्स देखते हैं कि क्या क्या रोल है। इस चार्ट को लर्न कर लेना जो यहाँ पे दिखा रखा है, जैसे कि मस्टर्ड हो गया, ठीक है, उसके अलावा क्या हो गया, जैसे अल्काइल सल्फोनेट हो गया, ठीक है, नाइट्रोसामीन हो गया, अल्काइल सल्फोनेट्स हो गया, ये सारे क्या है, ये इंपॉर्टेंट केमिकल है जो कि क्या करते हैं, म्यूटेशन कोज करते हैं। आप लोगों के पास क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से ऐसे केमिकल है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आ सकता है कि इपोक्साइड से बनने वाले केमिकल कौन सी म्यूटेशन कोज करते हैं। अब हम एक एक डिस्कस करेंगे कि कौन सा म्यूटेजन कौन से म्यूटेशन को कोज करते हैं। ठीक है, पर ये ध्यान रखना कि ये डिपेंड कहाँ पे करेंगे, मतलब इनकी लोकेशन क्या है, इनका एक्शन क्या है, वो डिपेंड करता है कि ठीक है कि कौन सा केमिकल कहाँ पे कोज कर रहा है, कहाँ पे म्यूटेशन कोज कर रहा है। ठीक है, अब जो म्यूटेजन्स होते हैं वो क्या करते हैं कि किसको कोज करते हैं, कि मतलब जो रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है या फिर जो नॉन रेप्लिकेटेड डीएनए होता है उन सब पे काम करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेप्लिकेशन जब चल रही होगी या फिर पोस्ट रेप्लिकेशन प्रोसेस तक भी वो काम करेंगे। ठीक है, ये म्यूटेशन, क्योंकि डीएनए का स्ट्रक्चर है, अगर डीएनए के स्ट्रक्चर में कभी स्टार्टिंग में कोई भी चेंज आ रहा है, कोई भी इंटरमीडिएट चेंज आ रहा है, लास्ट तक चेंज आ रहा है, तो वो चेंज क्या करता है कि जो अल्टीमेट जो हमारा प्रोटीन का प्रोडक्ट है वो तो सारा का सारा चेंज हो जाएगा। तो डीएनए में अगर किसी भी स्टेप पे चेंज आया, किसी भी स्टेप पे म्यूटेशन हुई, तो वो इफेक्ट क्या होता है कि वेरी वेरी हार्मफुल होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो जो उसका अल्टीमेट प्रोडक्ट बनेगा, प्रोटीन बनेगा, वो प्रोटीन क्या करेगा, म्यूटेशन कोज करेगा। जितने भी उससे हार्मोन बनेंगे, जितने भी एंजाइम्स बनेंगे, वो सारे क्या करेंगे, म्यूटेशन कोज करेंगे। जैसे सबसे पहला एग्जांपल दे रखा है अल्काइलेटिक एजेंट। अल्काइलेटिक एजेंट्स क्या होते हैं, अगर हम एल्काइलेटिक एजेंट्स की बात करें तो जैसे कि कौन कौन से एग्जांपल हो जाएंगे, जैसे नाइट्रोजन एंड सल्फर मस्टर्ड, या फिर मिथाइल एंड इथाइल, या फिर मिथाइल हो गया, फिर इथाइल मिथेन सल्फोनेट, ये क्या है, ये सारे एग्जांपल है। किसके एग्जांपल है, एल्काइलेटिक एजेंट्स के एग्जांपल है। ये क्या करते हैं, अगर हम इनकी बात करें तो ये क्या करते हैं कि ऑल्टरेशन करते हैं। किसके बीच में ऑल्टरेशन कर देंगे, जो बेस पेयरिंग होती है, किसकी बेस पेयरिंग, डीएनए की बेस पेयरिंग है, उनके बीच में ऑल्टरेशन कर देंगे। अगर बेस पेयरिंग के अंदर ऑल्टरेशन हो गई तो क्या अराइज होगा, सबसे पहले मिसमैच रिपेयर हो जाएगा। मिसमैच का मतलब क्या हो जाएगा, रिपेयर सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। रिपेयर सिस्टम क्या करेगा, अपना काम करेगा। अगर उससे रिपेयर नहीं हुआ, डीएनए रिपेयर नहीं हुआ, ऐसे केमिकल है, हार्मफुल केमिकल है, अगर उससे रिपेयर नहीं हुआ तो वो क्या करेंगे, म्यूटेशन कोज करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे नाइट्रस एसिड है, नाइट्रस एसिड क्या करता है कि ये क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है अमीनो ग्रुप को, किसके अंदर रिप्लेस कर देगा, कीटो ग्रुप के अंदर कर देगा। क्या करता है ये, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन का मतलब क्या हो जाएगा, क्या करेगा, अमीनो ग्रुप को क्या कर देगा, उसको रिमूव कर देगा। तो ये भी क्या करेगा, अगर हम किसी भी एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के अंदर चेंज कर दे रहे हैं, मतलब कोई भी अमीनो ग्रुप कीटो ग्रुप के अंदर चेंज हो रहा है, तो ये चेंज क्या होता है, वे हार्मफुल कोज करता है। क्या हार्मफुल कोज करेगा, म्यूटेशन कोज करेगा। ठीक है, जैसे कि क्या करा इन्होंने, यहाँ पे जो एडिनोसिन है इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, हाइपोजेंथिन के अंदर कन्वर्ट कर दिया, तो ये भी क्या है, म्यूटेशन कोज कर रहा है। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वो टोटोमेरिज्म पढ़ा था, टोटोमेरिज्म के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप के अंदर चेंज हो जाना, स्ट्रक्चर चेंज हो जाना। जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, नाइट्रोजन क्या कर रहा था या फिर हाइड्रोजन क्या कर रहा था, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा था। ऐसे ही क्या होता है कि जो ये नाइट्रस एसिड होता है, ये भी क्या करता है, अमीनो ग्रुप से किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, इसको कीटो एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा अगर हम बेस एनालॉग्स की बात करें, बेस एनालॉग क्या होता है कि ये बिल्कुल सिमिलर टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, जो जैसे नॉर्मल बेस प्रेजेंट होते हैं उनके उनके टाइप के जैसे सेम स्ट्रक्चर होते हैं, बस इनके अंदर थोड़ा सा चेंज होता है, मतलब थोड़ा सा एनालॉग। एनालॉग का मतलब किसी की तरह बिहेव करना, किसी भी किसी दूसरे स्ट्रक्चर की तरह बिहेव करना, उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं कि एनालॉग कहते हैं। जैसे कि देखो, 5-ब्रोमो यूरासिल या फिर 5-ब्रोमो क्या हो जाएगा, या फिर 5-आइडो यूरासिल, ये कैसे स्ट्रक्चर है, इनको हम रिप्लेस कर सकते हैं। किससे रिप्लेस कर सकते हैं, थायमिन से रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब ये ऐसे केमिकल्स है जिनको हम क्या कर सकते हैं, अगर हम थायमिन दे तो उनसे हम इनको रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन ये बिहेव और जो इनका जो रोल होगा वो सेम कैसा रोल प्ले करेंगे, जैसे थायमिन रोल प्ले करता है। तो मतलब जैसे कि हम किसी को एग्जांपल के लिए, किसी को हम कैसे बुद्धू बनाने के लिए कह नहीं देते कि अच्छा आप ये यूज कर लो, इसका सेम काम है,
या फिर हम कोई भी डुप्लीकेट चीज होती है, उस डुप्लीकेट चीज को क्या करते हैं, हम सेम उसी की तरह बना के क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं कि मार्केट में भेज देते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है कि ये एनालॉग भी क्या होता है, सेम काम करेगी। जैसे कि डीएनए को क्या लगेगा कि थाइमिन बोन है, थाइमिन के अपोजिट क्या होगा, कोरिस्पोंडिंग जो बेस पेयरिंग होगी वो किसके होनी चाहिए, एडेनिन की होनी चाहिए ना। लेकिन वहां पे काम कौन कर रहा है, फाइव ब्रोमोयूरासिल, मतलब एनालॉग की तरह काम कर रहा है। वो एनालॉग क्या समझेगा, डीएनए तो ये समझेगा ना कि थाइमिन है, इसके अपोजिट एडेनिन को आना चाहिए, लेकिन वो क्या है कि उसका हमशक्ल है, मतलब एनालॉग की तरह काम कर रहा है, तो वो क्या करेगा, फर्दर म्यूटेशन कोज कर देगा। यहां तक समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट है एक्रिडिन। एक्रिडिन क्या होता है, एक्रिडिन डाई क्या होती है कि ये क्या होती है, एज ए प्रो प्रोफ्लाविन या फिर एक्रिडिन फ्लाविन ऑरेंज की तरह काम करती है। मतलब कि हमेशा ध्यान से सुनना कि जो एक्रिडिन डाई होती है इसका काम क्या होता है, ये एक इंटरकेलेटिंग एजेंट की तरह काम करती है। इंटरकेलेटिंग एजेंट क्या होते हैं, ऐसे एजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं कि डीएनए के मेजर या माइनर ग्रुप के अंदर क्या हो जाते हैं, इंसर्ट हो जाते हैं। अगर डीएनए के मेजर या माइनर ग्रुप के अंदर कोई भी स्ट्रक्चर इंसर्ट होगा तो वो क्या करेगा, जो बेस पेयरिंग है उनको क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा। बेस पेयरिंग डिस्टर्ब होने का मतलब क्या होगा, फर्दर डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल होने का मतलब क्या हो जाएगा, म्यूटेशन कॉज होने लग जाएगी। समझ में आ गया ये? ओके, देखो एक्रिडिन क्या करता है, एक्रिडिन जो डाई होती है वो कैसे काम करती है, एज ए प्रोफ्लेविन की तरह काम करती है। प्रोफ्लेविन ऑरेंज या फिर एक्रिडिन ऑरेंज क्या होता है कि ये ऐसा टाइप का कंपाउंड होता है जो कि क्या करता है कि इंटरकेलेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। इंटरकेलेटिंग एजेंट क्या होते हैं कि ये क्या करते हैं कि डीएनए के मेजर या माइनर ग्रुप्स के अंदर क्या हो जाते हैं, इंसर्ट हो जाते हैं। जैसे डीएनए के मेजर या माइनर ग्रुप के अंदर इंसर्ट होंगे तो क्या कर देंगे, डिस्टोर्शन कर देंगे। डिस्टोर्शन करने का मतलब क्या हो जाएगा, जो डीएनए का हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, उसकी जो बेस पेयरिंग होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। बेस पेयरिंग डिस्टर्ब होने का मतलब क्या हो जाएगा, जो म्यूटेशन कोज होने लग जाएगी। अब वो म्यूटेशन कौन से होंगे, जैसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो सकते हैं। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के अंदर क्या होता है कि सिर्फ एक सिंगल बेस पेयर के अंदर चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, जैसे ही डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा, जो बेस पेयरिंग होगी वो इधर उधर हो जाएगी। बेस पेयरिंग इधर उधर होने का मतलब क्या हो जाएगा, कि जो जो स्ट्रक्चर होगा वो सारा अनस्टेबल हो जाएगा। तो कौन सी म्यूटेशन हो सकती है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो सकती है। समझ में आ गया? तो ये सारे है ना, ध्यान रखना है, ये सारे क्या है कि केमिकल म्यूटेजन्स है जो कि क्या करते हैं, म्यूटेशन कोज करते हैं। ठीक है, अगर हम सबसे पहले हम लोगों ने दो फैक्टर पढ़े हैं, एक तो क्या है कि फिजिकल फैक्टर और एक केमिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर्स में कौन कौन से पढ़े हैं, एक आयनाइजिंग रेडिएशन, एक नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, एक क्या पढ़ा हमने, रेडियो एक्टिविटी पढ़ी है, लो पीएच और हाई टेम्परेचर। ये सारे क्या है कि फिजिकल फैक्टर्स हैं जिनको जिनसे हम क्या कर सकते हैं, म्यूटेशन को कर सकते हैं। और अगर हम केमिकल फैक्टर्स की बात करें तो केमिकल फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे फैक्टर्स जो कि क्या कर सकते हैं कि उन केमिकल्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, म्यूटेशन कोज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कौन कौन से केमिकल फैक्टर पढ़े हम लोगों ने, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड पढ़ा है। नाइट्रस ऑक्साइड क्या करता है कि ये क्या करता है कि कीटो ग्रुप को किसमें कन्वर्ट कर देता है, अमीनो ग्रुप को कीटो ग्रुप में चेंज कर देता है। तो ये क्या करेगा कि डीएमिनेशन कर देगा या फिर डीप्यूरिनेशन कर देगा। उसके अलावा हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि बेस एनालॉग। बेस एनालॉग क्या करता है कि सेम किसी भी सिंपल बेस पेयर की तरह काम करते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि जो जो स्ट्रक्चर होगा डीएनए का उसको क्या कर देंगे, अनस्टेबल कर देंगे। क्योंकि क्या होगा, हमारा जो डीएनए का स्ट्रक्चर है उसको क्या लगेगा कि यहाँ पे थायमिन की जो अपोजिट जो बेस पेयरिंग होती है वो एडेनिन की होती है, तो वो क्या होगा, वो और वहां पे क्या आया हुआ है, किसकी बेस पेयरिंग हुई हुई है, फाइव ब्रोमो यूरासिल की। तो वो क्या है कि जो स्ट्रक्चर है वो क्या करेगा, अनस्टेबिलिटी कोज करेगा। इसके अलावा हम लोगों ने क्या पढ़ा है, अभी इसके अलावा एक्रिडिन पढ़ा है, एक्रिडिन ऑरेंज या फिर प्रोफ्लाविन पढ़ा है। ये क्या है, इंटरकेलेटिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। इंटरकेलेटिंग एजेंट क्या होते हैं, ऐसे एजेंट जो क्या करते हैं कि क्या करते हैं, डीएनए के मेजर या माइनर ग्रुप के अंदर इंसर्ट हो जाते हैं और क्या करते हैं, डीएनए के स्ट्रक्चर को डिस्टोर्शन कर देते हैं। डिस्टोर्शन का मतलब डीएनए के स्ट्रक्चर को अनस्टेबल कर देंगे, जो स्टेबिलिटी होगी उसको क्या कर देंगे, डिस्टर्ब कर देंगे। स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होने का मतलब बेस पेयरिंग डिस्टर्ब हो गई, बेस पेयरिंग डिस्टर्ब होने का मतलब म्यूटेशन कोज होगी। अब वो डिपेंड करेगा कि कोडिंग जीन के अंदर हो रही है या नॉन कोडिंग जीन के अंदर। अगर कोडिंग जीन के अंदर होगी तो हार्मफुल म्यूटेशन कोज करेगा, और नॉन कोडिंग जीन के अंदर होगी तो क्या हो जाएगा, वो म्यूटेशन इतनी हार्मफुल नहीं होगी, वो कैसी होगी, हार्मलेस हो जाएगी। मतलब ऐसा होगी कि जो बॉडी इसको टॉलरेट कर सकती होगी। समझ में आ गया?